Hello, folks. How do you do? I'm Dr. Bobby Gandhi. Welcome to my educational channel. Before I start my explanation video, I request to all to subscribe my channel, like it, share it with your friends, give me feedback under the comment section, what you like and what you don't like, so that I can rectify my mistakes here. Okay, let's start. हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर बॉबी गांधी आज 12 के बच्चों को इस पोएम को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये पोएम का नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। देखिए, इस पोएम का टाइटल ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, शी वॉक्स इन ब्यूटी, बहुत सुंदरता में चलती है। इसको लिखने वाले पोएट है जॉर्ज गॉर्डन बायरन। इनका समय काल है 1788 टू 1824। इन्हें लॉर्ड बायरन के नाम से भी जाना जाता है। ये पोएट बायरन जी एक पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज के रोमांटिक पोएट है। ये सेटिरिस्ट भी है, मतलब व्यंगकार भी है, व्यंग भी देते हैं। बायरन जी ने एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल हैरो सहित कई स्कूल्स में भाग लिया। देन बायरन जी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में चले गए। 21 साल की उम्र में बायरन ने यूरोप एंड ओरिएंट का विजिट स्टार्ट किया। इस विजिट के बाद बायरन जी ने लिखना शुरू कर दिया, मतलब रचना प्रकाशित करना शुरू कर दिया, राइटर बन गए ये। चाइल्ड हैरोल्ड की तीर्थयात्रा, इस बुक से बायरन जी बहुत पॉपुलर हो गए इंग्लैंड में। मतलब कि ये चाइल्ड हैरोल्ड की तीर्थयात्रा, इस बुक को लिखने के बाद इन्हें प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा ही मिल गई। शी वॉक्स इन ब्यूटी, वह सुंदरता में चलती है, यह पोएट की एक छोटी सी गीतात्मक पोयम है, मतलब गीत के रूप में है, एक सॉन्ग के रूप में है, जो एक लेडी के सौंदर्य का जश्न मनाती है। कौन बनाती है यह पोयम? बनाती है यह पोयम एक अनाम औरत, मतलब कि एक अननोन लेडी के नाम पर डिस्क्राइब की गई है। यह लेडी का रूप असाधारण है। पोएट न केवल उस लेडी के बाहरी रूप का वर्णन करते हैं यहाँ पर, बल्कि उसकी इनर ब्यूटी, आंतरिक अच्छाई भी बताते हैं, जो उस लेडी को इतना अट्रैक्टिव बनाती है कि हमारे पोएट बायरन जी ने कविता ही लिख ली है। कहा जाता है उस लेडी के बाहरी उपस्थिति का वर्णन तो बताया गया है, और इनर ब्यूटी का भी यहाँ पर वर्णन डिस्क्राइब किया गया है। बायरन जी उस लेडी की कंपेयर रात के आकाश, नाइट स्काई से करते हैं, और उसकी पूरी सुंदरता को प्रकृति के दृश्य से, नेचर के सीन से तुलना करके 12 के बच्चों को बताते हैं। यह पोएम एक प्रेम कविता है, बट पोएट ने इस पोएम में अपने किसी भी प्यार का इजहार नहीं किया है। पोएट नेवर एक्चुअली डिक्लेयर्स हिज लव फॉर दिस लेडी। अब इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि स्पष्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि कहा जाता है शी वॉक्स इन ब्यूटी, यह जो पोएम है ये पोएट ने अपनी कज़न रॉबर्ट विलमोट, जिनकी फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, रॉबर्ट विलमोट इनकी जो वाइफ है, पत्नी है, एनी बिट्रिक्स विलमोट, इनको देखकर लिखा है। लंदन में एक पार्टी हुई थी 11 जून 1814 में, और ये पार्टी से आने के बाद जब उन्होंने अपनी भाभी सिस्टर इन लॉ को देखा तो वो देखते रह गए। वो बहुत अच्छी स्वभाव में थी, बाय नेचर भी बहुत अच्छी थी, और दिखने में बहुत खूबसूरत थी। तो उसको देखने के बाद हमारे पोएट ने इस पोएम को लिखा है और नाम दिया है शी वॉक्स इन ब्यूटी। एनी बिट्रिक्स विलमोट के ऊपर पोएट ने यह पोएम लिखी है, लेकिन इसको उस तरीके से मत देखिए, इस तरीके से देखिए कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ से इतना प्रभावित हो गए कि उनको लगा कि ये अंदर से भी खूबसूरत है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, और ये बाहर से भी बहुत अच्छी एक लेडी है।
ओके स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी पोएम है, आपको बहुत अच्छे से पल्ले पड़ जाएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। वह लेडी अपने आप में ब्यूटीफुल सुंदर नहीं है, बट वह अपनी सुंदरता की आभा में चलती है। पोएट मीन्स टू से डैट एक लेडी को अपनी सुंदरता की आभा में चलते हुए देखने पर ही पोएट ने इस पोएम को लिखा है। इसमें जो लेडी है वो सुंदर नहीं है, बट उसकी गुण सुंदर है, मतलब शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल बट शी इज़ वर्चुअस लेडी क्वालिटीज वूमन। यह पोएम एक ईमानदारी और सादगीपूर्ण सिंप्लिसिटी से लिखी गई है। यह पोएम एक ईमानदारी और सादगीपूर्ण पोएम है। इस पोएम में उस लेडी की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी बताई गई है। यह पोएम में 3 स्टेंजा है। पोएट कहते हैं कि वह लेडी अपनी सुंदरता में चलती है, जैसे रात और बादल रहित झुरमुट और तारों से आसमान चलता है। उस लेडी को पोएट सितारों की रोशनी और रात की छाया भी कहते हैं। उस लेडी की आंखें देखकर पोएट कहते हैं कि सबसे अच्छा अंधेरा और उज्जवल अंधेरा इस लेडी की आँखों में शामिल है। इसकी सुंदरता दिन के उजाले से भड़कीली है, मतलब उससे भी बेटर है, मतलब कि वो उससे भी सुंदर दिखती है दिन के उजाले से। यह महिला, यह लेडी उज्जवल सितारों से भरे हुए स्पष्ट रात के आकाश में घूम रही है। उसकी आंखें, उसकी आईज में एक विशेष चमक है, एक बहुत ही स्पेशल रोशनी है। वह लेडी, वह महिला के पास स्वर्ग के समान, हेवन के समान एक अलौकिक प्रकाश है, जो दिखावटी नहीं है, ये कुदरती प्रकाश है। इस सुंदरता की डेफिनेशन परिभाषा नहीं हो सकती, मतलब ये नेमलेस है, इसकी कोई डेफिनेशन, इसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती, मतलब कि उसकी सुंदरता को, उसकी ब्यूटी को शब्दों में, वर्ड्स में कहना, शब्दों में पिरोना कठिन है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। वो इतनी सुंदर है, कौन कहते हैं, बायरन जी कह रहे हैं। उस लेडी के बाल धीरे धीरे उसके फेस पर, चेहरे पर गिरते हैं। उसकी प्यारी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स उसके चेहरे पर शो होती है, दिखती है, प्रदर्शित होती है, जिससे पता चलता है कि यह लेडी कितनी शुद्ध है, कितनी प्योर है, कितनी कीमती है, डायमंड के समान कीमती है ये लेडी। उस लेडी के गाल और माथे पर एक शांति है, एक पीस है, कोमलता है, बहुत ही माइल्ड है वो। जब वह स्माइल करती है, मुस्कुराती है, तो उसकी चमकती हुई स्किन दिखाई देती है। इससे साबित हो जाता है कि वह लेडी अपना हर दिन ईमानदारी से बिताती है, शांत दिमाग रखती है, और उसका दिल निर्दोष है, ब्लेमलेस है, और वह सच्चा प्यार करने वाली है, ट्रू लव करने वाली है। इसीलिए वह सौंदर्य पे चलती है। जिस लेडी में ऐसे गुण होंगे वही सौंदर्य में चलेंगी। इसलिए इस पोएम को टाइटल दिया गया है शी वॉक्स इन ब्यूटी। इस पोएम में पोएट ने एक लेडी का एग्जाम्पल देकर वर्ल्ड की हर लेडीज़ के बारे में बताया है कि चाहे कोई लेडी सुंदर होना हो, बट वह अपने परिवार में काली अंधेरी रूपी रात के समान आई हुई कोई भी मुसीबत हो, तो वही लेडी पूरी ईमानदारी से, शांत दिमाग से, अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए उस मुसीबत को पार करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जैसे वह स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा हो, कोई परी हो। इसीलिए बस लॉर्ड बायरन जी ने अपनी भाभी के निश्चल पवित्र स्वभाव, नेचर को देखकर संसार की सभी महिलाओं को, सभी लेडीज़ को कहकर यह पोएम लिखी है, जिसका नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। अब आप लोग बहुत पढ़िए, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और खूब पढ़िए और सक्सेस को प्राप्त कीजिए अपनी लाइफ में। ओके बाय। तो आप मेरी गाइड से, 12th की गाइड से पढ़ सकते हैं। ये महाराष्ट्र की हर बुक डिपो में अवेलेबल है। और आपको लगता है मेरी ऑन लैंग्वेज में सीखना है तो आप ऑनलाइन सीखिए। इसलिए आप इसको रिपीट कीजिए बार बार इस वीडियो को और पढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।